हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो बात करने वाले हैं अगले बैटरीज की। हमने ऑलरेडी बैटरी के बारे में पढ़ा। बैटरी वो चीज़ होती है जहाँ पे आप सिंगल सेल्स को, आप मल्टीपल सिंगल सेल्स को, गैल्वेनिक सेल्स को अटैच करते हो, और उसके बाद जो हमारे पास एक कनेक्शन सीरीज में अरेंज करने के बाद जो एक चीज़ मिलती है उसको बैटरी कहा जाता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बैटरीज उसी को कहा जाएगा जहाँ पे आपके पास मल्टीपल गैल्वेनिक सेल्स को अटैच किया जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिंगल सेल को भी कभी कभी बैटरी कह देते हैं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, बट ठीक है, हम उसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम उसको भी बैटरी कह देते हैं। हमने बैटरी का क्लासिफिकेशन देखा। बैटरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन वाज प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी बैटरीज में हम लोगों ने देखा कि हमने ड्राई सेल के बारे में पढ़ा। हमने ड्राई सेल को देखा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, हमने उसका सोल्यूशन निकाला, अल्कलाइन सेल बनाया। हमने और भी बैटरीज के बारे में देखा वहां पे जो प्राइमरी बैटरी का काम करती हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी बैटरीज की। सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो या आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट सेकेंडरी बैटरी जो आप यूज करते हो वो है आपका मोबाइल का लिथियम आयन बैटरी। वो डिस्चार्ज होता है, आप फिर से रिचार्ज करते हो, वो डिस्चार्ज होता है, आप फिर से उसको रिचार्ज करते हो, और उसकी पावर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। पहले 300 mAh के आते थे, आजकल 5000 mAh के बैटरीज भी आने लग गए, यानी उसकी लाइफ की जो सस्टेनेबिलिटी है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है। ऐसे ही हमारे पास एक सेकेंडरी बैटरी है जिसका नाम है लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, या जिसको लेड स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। ये वो बैटरी है जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, इसको कार्स में, इन्वर्टर में, या आप जो भी व्हीकल्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी बैटरी का यूज़ करते हैं। ये बैटरी कुछ ऐसी दिखती है। आप इस पिक्चर को जो देख रहे हो, इस पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो बाहर का कवरिंग होता है वो बहुत, ये कुछ इन्वर्टर जैसी लग रही है। इसका बाहर का जो कवरिंग होता है वो बहुत ही मोटा, बहुत ही अच्छे पॉलीमर का बना होता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो एक है बहुत डेंजरस एसिड, दैट्स कॉल्ड किंग ऑफ एसिड, दैट्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, इसको अच्छे से वेल मेंटेन किया जाता है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर में आप देखोगे कि ये लेड एक्यूमुलेटर बैटरी को बनाया कैसे जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि लेड एक्यूमुलेटर बैटरी एक्चुअली बनती कैसे। आप उस पिक्चर को रेफरेंस मानिए और उसको मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं। आप एक कंटेनर लेते हो और उस कंटेनर के अंदर आप एक 38% H2SO4 लेते हो। नाउ लेट मी टेल यू, जरूरी नहीं है कि हमेशा 38% H2SO4 ही लिया जाता है। वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 भी हम यूज करके देख सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह H2SO4 से फर्क पड़ता है। उसके बाद उस कंटेनर को जो बना, जिस कंटेनर में आप ये सब चीज रखते हो उसको बहुत अच्छे पॉलीमर से बनाया जाता है ताकि चीजें बाहर लीक ना हो। आप देख रहे हो, आज दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हम यहाँ पे प्लेट्स लगाते हैं, देयर आर पैरेलल प्लेट्स। ये जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, अब देखो सर, प्रॉब्लम ऐसी है कि हमको इस सेल में जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मोस्ट ऑफ दी बैटरीज में जो पैरेलल प्लेट्स हम लगाने वाले हैं, जो हम प्लेट्स जैसी चीज़ें लगाने वाले हैं, वो दो टाइप की होंगी। एक जो सिर्फ और सिर्फ लेड की बनी होगी, इट विल बी मेड अप ऑफ लेड PV, सो वो लेड का बना होगा। दूसरा जो होगा वो लेड का होगा पर उसके ऊपर लेड ऑक्साइड, दैट इज PbO2 का लेयर, यानी कोटिंग किया होगा, जैसे जो मैंने यहाँ रेड कलर का दिखाया हुआ, दिस इज लेड ऑक्साइड का कोटिंग, आप वहां पे देखिएगा, ये लेड ऑक्साइड का कोटिंग है। अब ये जो दो लेयर हैं, ये पैरेलल बहुत सारी अरेंज की जाती है। फिलहाल मैंने इसको बहुत सेपरेट डिस्टेंस पे रखा क्योंकि मुझे एक सिंपल सेल बना के इसको समझना है। आप अगर रियल बैटरीज में देखोगे तो वहां पे मल्टीपल पैरेलल प्लेट्स होती हैं, यानी पहले एक होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, और अल्टरनेट होती हैं वो, जिससे कि उसकी वोल्टेज ज्यादा हम बढ़ा सके। यू नो, हमको ये जो सेल है ये हमको 2 volts तक देता है, तो अगर हमको इसकी वोल्टेज बढ़ाना है तो हमको इसके अंदर पैरेलल प्लेट्स का नेटवर्क ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, हम बहुत बार अभी देखते हैं कि आजकल जो हमारे पास बैटरीज आ रही हैं उसमें जो पैरेलल प्लेट्स यूज की जाती हैं वो मैश टाइप में होती हैं, यानी वो इसलिए किया जाता है ताकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ा सके और इफेक्टिव रिएक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे से हो सके। सो ये इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है। मैंने इस पिक्चर को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि अब मेरे पास एक डायग्राम में एक कंटेनर होगा, मेरे पास एक रॉड होगा जो लेड का बना होगा, दूसरा रॉड होगा जो लेड का होगा पर उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का कोटिंग किया गया होगा। नाउ रिएक्शंस क्या होंगे सर, स्टार्ट करते हैं पहले गैल्वेनिक सेल से। मतलब जब ये जो बैटरी है यहाँ पे पूरा का पूरा लेड होगा अच्छे से, यहाँ पे पूरा का पूरा लेड ऑक्साइड जमा है अच्छे से, पूरा 38% H2SO4 बहुत अच्छा, यानी नया बैटरी है, और जैसे ही आप इसको बल्ब के साथ कनेक्ट करते,
हो। यहाँ मैंने कुछ सर्किट कनेक्शन बनाया है, ये आप इस की को ऊपर भी लेके जा सकते हो, नीचे भी लेके आ सकते हो। तो फिलहाल मुझे बल्ब जलाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस की को यहाँ अटैच करता हूँ, इस की को मैं यहाँ अटैच करता हूँ, तो जो मेरा सर्किट कनेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। सो कहीं पर तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कहीं पर तो रिडक्शन होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन होने का काम यहाँ होगा। यहाँ होता क्या है, लेड के एटम्स, ये जो लेड के एटम्स हैं यहाँ पर, दिस आर लेड एटम्स, ये लेड के एटम्स अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स रॉड पर लूज करते हैं, और लूज करने के बाद वो सल्यूशन में निकल के आते हैं Pb2+ बनके। सर प्लीज़ रिएक्शंस को समझना, और मैं एक ही डायग्राम पे सब बनाने की कोशिश करूँगा। तो Pb अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो ऑक्सीडाइज होके बाहर आएगा, जैसे ही वो सल्यूशन में बाहर आएगा वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और एक प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसको कहा जाता है लेड सल्फेट। ये लेड सल्फेट भी सॉलिड होगा। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, आपका गैल्वेनिक सेल का पहला रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीडेशन। हाउ डू यू राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सर देखो आपके पास एक पीबी था जो सॉलिड था, वो सॉलिड पीबी ऑक्सीडाइज हुआ Pb2+ में, जो कि एक्वियस बना, उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो Pb2+ जो कि एक्वियस है उसने सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और आपको बना के दे दिया PbSO4 जो कि सॉलिड है क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बना है। एंड अगर मैं इसका नेट रिएक्शन लिखूं तो Pb2+ कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन विल बी Pb+SO4-2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू Pb SO4+2 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे उम्मीद है समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, सर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर मेरे पास आके जमा हो जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि रिडक्शन कैसे होगा, सर ऑलरेडी यहाँ पर PbO2 है, ये PbO2 H+ की मदद से, H+ will attack over there, ये PbO2 और H+ ये दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे यानी रिडक्शन करेंगे, और ये मुझे दो चीज़ देंगे। सबसे पहले तो ये मुझे दे देंगे वाटर, और ये मुझे दे देंगे Pb2+, क्योंकि यहाँ पे H और ऑक्सीजन मुझे वाटर दे देगा। अब बचेगा Pb2+, ये Pb2+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, वापस से सल्फेट के साथ, और मुझे क्या बना के देगा, PbSO4। तो इनडायरेक्टली मेरे पास इस रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, मेरे पास इस रिएक्शन में PbSO4 बनेगा और मेरे पास इस रिएक्शन में वाटर बनेगा। सो ये मेरा रिएक्शन हो गया इस तरीके से। ओके, तो कैसे लिखूंगा इसको, दिस विल बी योर रिडक्शन रिएक्शन। हाउ डू यू राइट रिडक्शन, ओके दिस विल बी रिडक्शन। तो सबसे पहले कौन कौन आया, सर सबसे पहले देखो मेरे पास PbO2 आया और मेरे पास हाइड्रोजन H+ आया, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स आए, और मैं इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूँ, बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे, और इन्होंने मुझे मिलके क्या दिया, इन्होंने मुझे मिलके दे दिया Pb2+ और इन्होंने मुझे दे दिया H2O। अब सर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अगर आप बैलेंस कर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, तो अगर यहाँ ऑक्सीजन दो है तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 2 times। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो बिकॉज वहां 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, एंड व्हाट यू गेट विल बी दिस। नाउ इसके बाद आपका पीबी रुकेगा नहीं, आपके पीबी ने क्या किया, आपके Pb2+ ने सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और क्या बना लिया, PbSO4। तो ओवरऑल एक्चुअली में हुआ क्या, अगर आप ओवरऑल एक्चुअली में देखो तो क्या हुआ होगा, Pb2+ फिर से कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो क्या बचा, लेड ऑक्साइड आया। ओके, लेड ऑक्साइड था किसके साथ, 4H+ के साथ। ओके, 4H+ गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, हाँ भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके आए, और वहाँ पे सल्फेट भी गया। ओके, सल्फेट भी गया, और इन सब ने मिलके क्या बनाया, इन सब ने मिलके आपको दिया लेड सल्फेट और आपको दिया 2 times वाटर मॉलिक्यूल। लेड सल्फेट इज अगेन अ सॉलिड, SO4-2 आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4H+ जो है वो एक्वियस में है, और PbO2 जो था वो आपका सॉलिड था। तो सर अगर आप यहाँ देखो, If you look carefully, अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन पे डिराइव करने की कोशिश करूं, तो कहीं ना कहीं नर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास H+ और SO4 ही आने वाला है, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व्ड हैं वो सब सॉलिड हैं, ये भी सॉलिड है, लेड ऑक्साइड सॉलिड है, लेड सल्फेट सॉलिड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन कि H+ और SO4- कितना है। एंड दैट्स वेयर हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि H2SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ डिसाइड होगा कि आपका इस सेल का वोल्टेज कितना होगा। तो वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ हम इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि कितना आता है, बढ़ता है, घटता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे क्या असर पड़ता है। नाउ यहां से मुझे ये चीज समझ में आएगी कि धीरे धीरे जैसे जैसे लेड ऑक्साइड ये आगे चलता जाएगा रिएक्शन, आपका जो पैरेलल प्लेट्स आपने लगाई हैं उसमें से ये प्लेट धीरे धीरे गायब होने लगेगी। रीजन है गायब होने का, क्योंकि वो डिसॉल्व हो रही है, और यहां से लेड ऑक्साइड गायब होने लगेगा। लेड ऑक्साइड इसलिए यहां से गायब होने लगेगा, रीजन ये है क्योंकि वो लेड ऑक्साइड जो है पीबी
H3O2, वो H+ और SO4 के साथ रिएक्ट करके वाटर और लेड सल्फेट बना रहा है। अच्छा, इससे वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस होती है? सर आप अगर इसको ध्यान से देखो, अगर आप इनके स्टैंडर्ड कंडीशंस को निकालो, तो ये रॉड का स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, क्योंकि ये मेरे यहाँ रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहा जाएगा कैथोड, ठीक है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको कहा जाएगा एनोड। ना ये कैथोड का स्टैंडर्ड वोल्टेज अगर आप देखो, अगर इस इलेक्ट्रोड का, दैट इज PbO2 H2SO4 में डालने के बाद, दैट कम्स आउट टू बी 1.685, दैट इज प्लस 1.685, और वहीं पे अगर आप एनोड का देखो तो दैट कम्स आउट टू बी -0.38356। तो आप अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हो, ओवरऑल सेल पोटेंशियल, तो E नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड का कितना है 1.685 माइनस एनोड का कितना हो जाएगा, दिस विल बी -0.356। अब अगर आप इसको ऐड करो तो दिस विल बी समवेयर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2.01 वोल्ट के आसपास इसका वोल्टेज निकल के आएगा। 1.6 प्लस 0.4, तो अप्रॉक्सी 0.4 ले लेता हूँ, सो अप्रॉक्सीमेटली 2.01 वोल्टेज आएगा। तो ये जो पूरी बैटरी है ये मुझे 2 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज देती है। तो आपको अगर नंबर ऑफ, आपको अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप बहुत सारी बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। हमने बहुत बार हॉस्पिटल्स में देखा होगा जहां पे वो एक एक अलग से कंटेनर रखते हैं, आप अगर देखोगे तो उस कंटेनर के अंदर उन्होंने बहुत सारी बैटरीज को लाइन से अरेंज किया होता, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस को पाइल अप किया होता, जिससे कि मुझे ज्यादा अमाउंट में पावर मिल सकती है। बिकॉज 2 वोल्ट से आप स्मॉल स्केल चीजों को चला सकते हो, बट 2 वोल्ट से आप बड़ी मशीन्स को या बड़ी चीजों को नहीं चला सकते। हमारे पास जो इन्वर्टर बैटरी होती है सर, वो इन्वर्टर बैटरी में भी हमको बहुत ज्यादा वोल्टेज स्टोर करना रहता है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, वहां पर भी हम इस चीज को मॉडिफाई करके उसको यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतते जाएगा ये रॉड डिसॉल्व होने लगेगा और यहाँ से ये PbO2 गायब होने लगेगा, और एक टाइम आएगा जब आपका आपका जो ये बैटरी है ये इसका वोल्टेज धीरे धीरे कम होने लगेगा। द रीजन इज की रॉड सी गायब हो रही है। अब मुझे इसको वापस से रिचार्ज करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ वापस से प्रोड्यूस हो जाए। तो आप इसको रिचार्ज कैसे करोगे? सर रिचार्ज करने का सिंपल फंडा है, कैसा है सर, ये जो टाइप के सेल्स हैं इन सेल्स को कहा जाता है रिवर्सिबल सेल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ रिवर्सिबल सेल? सर ये रिवर्सिबल सेल का मतलब होता है अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आए और इन्होंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में आते समय 2 वोल्ट्स प्रोड्यूस किया, तो आप एक काम करो, अगर 2 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अगर इन पे लगाया गया तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी सब कुछ जो फॉरवर्ड में हुआ था वो सब कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। तो अगर इस लेड एक्यूमुलेटर बैटरी को रिचार्ज करना है तो हम क्या इंतजार करते हैं, हम इसको वोल्टेज को डाउन होने का वेट करते हैं। जब इसका वोल्टेज 1.8 के आसपास आ जाता है, दैट्स वन, क्योंकि ये खुद 2 वोल्ट्स प्रोड्यूस करता है, अगर 2 वोल्ट्स पे प्रोड्यूस करता है 2 वोल्ट्स, तो इसका मैक्सिमम पावर, यानी जब ये 100% रिचार्ज होता है, अब जब ऑलरेडी 100% है तो उसको और क्या करोगे, तो इसको थोड़ा गायब होने दो। जब ये 1.8 वोल्ट देना स्टार्ट कर देता है, यानी जब इसकी पावर कम हो जाती है, अगर इसको फिर से रिचार्ज करना है तो अब आप क्या करते हो, आप अपने सेल का अरेंजमेंट चेंज करते हो और आप बाहर से एक एक्सटर्नल बैटरी लाते हो। ये एक्सटर्नल बैटरी जो होती है इसका वोल्टेज अब उतना होना चाहिए कि आपका जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है उससे थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा हो। जब वो इक्वल होगा तो सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। अगर बाहर की बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होगा तो सारे सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं। तो कैसे करोगे, आपका पावर धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि सेल गायब हो गया। जब ये 1.8, तो मैं यहां लिख सकता हूं, व्हेन सेल रीचेस EMF ऑफ सेल इक्वल टू 1.8 वोल्ट, तब आप क्या करते हो, इसको रिवर्स लाने के लिए बाहर एक बैटरी लगाते हो। अब याद रखना, लेड ऑक्साइड, लेड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके गया था, लेड Pb2+ बन के गया था, अगर उसको वापस बुलाना है तो मुझे इस रॉड को नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। अब जाते समय वो इलेक्ट्रॉन लूज करके गया था, अब अगर आपको उसने क्या बनाया था, लेड ऑक्सलेड सल्फेट बनाया था, अगर आप उसको दोबारा बुलाना चाहते हो तो आपको यहां बाहर से इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, लेकिन उतने इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे जिससे वो लेड सल्फेट को छोड़ के वापस ऑक्सीड रिडक्शन करके वहां पर चिपक जाए। इसीलिए अब अगर वोल्टेज 1.8 है तो आप बाहर का वोल्टेज 2 वोल्ट्स लगा दो। जब आप 2 वोल्ट्स लगाओगे उसमें भी याद रखना नेगेटिव उसी से कनेक्ट होना चाहिए जहां वो नेगेटिव रहा होगा गैल्वेनिक के समय। आपका पॉजिटिव, बाहर की बैटरी का पॉजिटिव वहां कनेक्ट करो जहां पर गैल्वेनिक के समय वो पॉजिटिव बना था। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है। जब लेड
ऑक्सीडेशन करके गया था तब ये रॉड नेगेटिव बना था, तो अब इसको जब वापस बुलाना है तो इसको नेगेटिव ही बनाओ लेकिन बाहर की बैटरी से बनाओ। तो जब सब कुछ को वापस बुलाओगे उस समय आपका सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? बाहर से आप एक बैटरी लगाते हो और अंदर के रिएक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल्स को तोड़ते हो, तो जो चीज़ बनी है वो वापस से टूटेगी और रिवर्स हो जाएगी। आई होप समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन के साथ, ऑक्सीडेशन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, सो देयर विल बी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। तो गैल्वेनिक में जहां इलेक्ट्रॉन चुराया था वहां अब करते समय इलेक्ट्रॉन वापस से दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां चुराया था? इधर। किसने? पीवी ऑक्साइड ने हाइड्रोजन की मदद से इलेक्ट्रॉन चुराया और वाटर बनाया, पीबी टू प्लस बनाया, जो सल्फेट के साथ मिलके लेड सल्फेट दिया, PbSO4 दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां चुराया गया था, अब तुमने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो यहां इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो जहां पर वहां रिडक्शन हुआ था, जहां रिडक्शन हुआ था, अब वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा? तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉन चुराया था वही लोग अब आके वापस से इलेक्ट्रॉन देंगे। तो वापस से क्या हो जाएगा? वापस से ध्यान से सुनना, आते समय ऐसा हुआ था तो जाते समय क्या होगा? आपका लेड सल्फेट फिर से जाएगा, सल्फेट को वहीं छोड़ेगा, आपका पीबी वापस से किसमें बन जाएगा? पीबी टू प्लस। ऊपर से वाटर को फिर से बुलाएगा, वाटर आएगा, पीबी जाएगा। अब वाटर और पीबी मिलके इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, अब इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही वापस आएगा फिर से मेरा क्या बन जाएगा? PbO2 बन जाएगा और फिर से मेरा H प्लस वापस रिटर्न चला जाएगा। सो दिस इज लाइक अ टू वे गेम। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ऐसे आया था, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फिर से चला जाएगा। तो व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन? कौन कौन आएगा? सर देखो, PbSO4 आएगा और वाटर मॉलिक्यूल आएगा, देयर विल बी टू टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। ये लोग जो हैं वो मिलके आपको वापस से कितने इलेक्ट्रॉन चुराए थे? दो चुराए थे ना, तो वापस से दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और क्या वापस दे देंगे? लेड ऑक्साइड था तो PbO2 वापस से बन जाएगा, फिर 4 टाइम H प्लस फिर से बन जाएगा और SO4-2 फिर से बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक मिनट, ऊपर का रिडक्शन देखो, अब नीचे का ऑक्सीडेशन देखो। डोंट यू फील ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक्चुअली उल्टा है? अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो मुझे ये रिएक्शन मिलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि जहां रिडक्शन हुआ अब वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। तो जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ था अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते समय वहां पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो हाउ विल यू राइट रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे? जाते समय लेड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सल्फेट के साथ लेड सल्फेट बनाया, तो वापस आते समय लेड सल्फेट वापस आएगा, सल्फेट वहीं रह जाएगा, लेड ऊपर जाएगा, लेड ऊपर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन चुरा के वहां पे वापस से डिपोजिशन स्टार्ट होगा, तो फिर से मेरा लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से मेरा रॉड वापस से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगा? PbSO4 अब दो इलेक्ट्रॉन चुराएगा, अब उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कौन चुराएगा? पीबी, और सल्फेट वापस वहीं के वहीं रह जाएगा और पीबी कन्वर्ट किस में हो जाएगा? नॉर्मल पीबी में, दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट एंड गिविंग यू बैक SO4-2। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, वहां का ऑक्सीडेशन देखो और यहां का रिडक्शन देखो, डोंट यू फील दोनों एकदम अपोजिट रिएक्शंस में हैं? एग्जैक्टली। तो सर आपको बाय हार्ट क्या रखना है? आपको बाय हार्ट सिर्फ दो ही रिएक्शन रखने। कैसे? आप ऑक्सीडेशन ऐसे बाय हार्ट रखो, पीबी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, या आप इसको ऐसे रखो, पीबी प्लस SO4-2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ऐसे दिस विल गिव यू पीबी SO4+2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसे गया तो ये काम कर रहा है गैल्वेनिक का, और अगर ऐसे आया, रिवर्स आया, तो ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक का। समझा? अच्छा, और क्या लिख सकते हो आप नीचे के रिएक्शंस को, इसको देखो, आप क्या लिखोगे? PbO2 प्लस 4 टाइम्स H प्लस प्लस दिस विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस सल्फेट माइनस 2। यानी आप इतना याद रखो, यहाँ कौन कौन थे चुराते समय? यहाँ पे PbO2 था, H प्लस था, सल्फेट था और इलेक्ट्रॉन चुराया गया और पानी और सल्फेट बना। सो व्हाट यू गेट वाज PbSO4 प्लस 2 टाइम्स H2O। तो रिवर्स आते समय ऐसा हो जाएगा। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो ये किसका काम करेगा? गैल्वेनिक का। और अगर रिवर्स डायरेक्शन में आया तो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रो
लाइटिक का। मुझे उम्मीद है ये रिएक्शंस याद रहेंगे। तो सर लेड एक्यूमुलेटर बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी बहुत ही प्यारी बैटरी है। इसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो, डिस्चार्ज रिचार्ज कर सकते हो। एक एडवाइस है मेरी आपसे, ऐसे बैटरीज को जब भी आप यूज़ करते हो, ऐसी एक बैटरी आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो जिसको कहा जाता है लिथियम आयन बैटरी। ऑब्वियसली केमिकल्स बदल जाते हैं, अंदर रिएक्शन बदल जाते हैं, बट द बेसिक प्रिंसिपल रिमेन्स सेम। आपका प्रिंसिपल नहीं बदलता सर। लिथियम आयन बैटरी में हम लिथियम फ्लोराइड या लिथियम और फ्लोरीन के कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। उसका फंक्शनिंग बहुत अलग होता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है। पर एक चीज़ याद रखना, आप जब भी बैटरीज को यूज़ करते हो सर, कोशिश कीजिए कि बैटरी को आप 100% यूज़ कर सको और फिर से डिपोजिशन स्टार्ट करो। हमें एक एडवाइस दी जाती है, अभी एडवाइस ये दी जाती है कि जब भी आप बैटरी लेते हो, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम यूजुअली बैटरी लेते हैं, जैसे ही वो 60% डिस्चार्ज होती है हम फिर से उसको 100% कर देते हैं। हम कभी उसको 0% तक जाने ही नहीं देते सर। इससे होता ये है कि बैटरी की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। आप जब भी बैटरीज को यूज़ करते हो, आप उसको कोशिश कीजिए कि उसको पूरी तरह ड्रेन होने दीजिए, लेट इट गो टू 0%, उस फ़ोन डेड होने दीजिए और फिर से उसको रिचार्ज करिए 100% तक। इससे आपके फ़ोन की बैटरी ज़्यादा दिनों तक चलेगी और ज़्यादा अच्छे से चलेगी। यूजुअली हम ये नोटिस करते हैं कि फ़ोन की बैटरी को ड्रेन होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फ़ोन ड्रेन हो जाता है। सर सुबह देखा तो 100% था, दो घंटे बाद देख रहा हूं तो सर 50% हो गया, जबकि मैंने फ़ोन यूज़ भी नहीं किया। तो ये इसका एक सजेशन मेरी तरफ से है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि बैटरी को कंप्लीट डिस्चार्ज होने दीजिए। सर देखिए सिंपल सा फंडा है, जो इलेक्ट्रोड है जब तक वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाता। पूरी तरीके से वो डिसॉल्व होना चाहिए और फिर से वो डिपोजिशन होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए, डिपोजिशन होना चाहिए। आप अगर सिर्फ 50% बैटरी ही जिंदगी भर यूज करोगे तो वो 50% का जो इलेक्ट्रोड है वो तो कुछ काम का ही नहीं था ना सर। तो फिर आप एक काम करते, आप 5000 mAh बैटरी की जगह आप सिर्फ 3000 mAh की बैटरी लेके आते ना। अगर आपको यूज ही सिर्फ 3000 mAh करना है तो आप क्यों 5000 mAh की बैटरी के पीछे भागते हो। तो सो प्लीज़ मेरी एडवाइस है, आप 100% डिस्चार्ज होने के बाद फिर से उसको रिचार्ज कीजिएगा। टाइम लगेगा बट आपका बैटरी सेफ रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको लेड एक्यूमुलेटर बैटरी समझ में आया। थैंक यू।